अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज जो है मैं आपके साथ जो है अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, और इसके अलावा जो है कुछ बातें शेयर करूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं न्यू यूट्यूबर्स के लिए। मतलब कि हमें जो है वो एक दूसरे की सपोर्ट कैसे करनी चाहिए और लीनियंट होकर चलना चाहिए एक काम में, और किस तरह से हम लोग चल सकते हैं ये भी मैं आपको साथ बताऊंगी। बेसिकली मैं आपके साथ जो है थोड़ा सा अपना यूट्यूब जो है ये जर्नी शेयर करूंगी। मुझे ऑलमोस्ट यूट्यूब पे काम करते हुए एक साल हो गया है, और मैं इससे पहले एक और चैनल पे काम करती थी एनएस किचन एंड रूटीन के नाम से वो था। लेकिन वो उस पर जो मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हुआ कि मैंने वो चैनल बनाया था 3 साल पहले, उस पर मैंने एक वीडियो डाली, दो डाली, तीन डाली, उस पर तो 60-65 इस तरह व्यूज़ आ रहे थे। फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि बस पता नहीं क्या हुआ था, मैंने छोड़ दिया उस पर काम करना। फिर मैंने साल पहले उसी जो है यूट्यूब जो चैनल है उसी पे मैंने स्टार्ट किया। तो उस पर जो मैंने स्टार्ट जो किया तो साथ शॉर्ट्स भी अभी स्टार्ट हुई हुई थी, तो मैंने जो है वीडियोस डालनी शुरू की शॉर्ट्स पे और लॉन्ग पे, सब कुछ डाला मैंने। ये भी मेरी ओल्ड वीडियो है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी सी जो है गाइडनेस मिले इससे, और मैंने तो उस एक चैनल से बहुत कुछ सीखा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जो हैं इस चीज़ को समझें, सीखें और इस पे अमल करें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, उस चैनल पे मैंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम भी वेस्ट किया और मैंने पैसे भी वेस्ट किए हैं। वो कैसे, वो इस तरह से कि मैंने जो है ना, जब मैंने आपको बताया कि मैंने शॉर्ट्स लगानी शुरू किए, लॉन्ग वीडियो पे मेरे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, लाइक 10-15 व्यूज़, हद 20 व्यूज़, कुछ पे मेरे 300-400 भी गए हैं। ये नहीं मैं कह रही कि नहीं गए, वो इस तरह गए कि मेरा उन्होंने वॉच टाइम भी जो है 2000 से 2500 हो चुका था, और मेरे जो हैं सब्सक्राइबर मेरे मुश्किल से 1 या 2 सब्सक्राइबर आते थे वीडियो पे, और उसके अलावा जो है शॉर्ट्स जो मैं लगाती थी उस पे मेरे जो है कुछ शॉर्ट्स पे जो है व्यूज़ बहुत अच्छे आते थे, और उस पे जो है मेरे जो है वो सब्सक्राइबर भी बढ़ गए थे। तो 980 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके थे शॉर्ट्स से, मतलब 70-80 मुझे सब्सक्राइबर्स मिले थे लॉन्ग वीडियो से, और 980 जो टोटल व्यूज़ सब्सक्राइबर्स मेरे हुए थे वो शॉर्ट्स से हुए थे। तो बहरहाल मैंने वो जो है, अब कुछ यूट्यूबर्स जो हैं बड़े यूट्यूबर्स टेक के ही मोस्टली ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि आप जो है सब्सक्राइबर ख़रीद लें, साथ जो है आप वॉच टाइम ख़रीद लें। यह गलती आपने भूल कर भी नहीं करनी, मैंने ये गलती की है और मैं आज भुगत रही हूँ इस बात को, और मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मतलब जो मैंने 20 सब्सक्राइबर थे उसकी जगह मैंने 100 सब्सक्राइबर ख़रीद लिए, चलो कोई बात नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, साथ मैंने जो वॉच टाइम मेरा बाकी रहता था मैंने वो भी ख़रीद लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया तो एक पे आ रहे थे कॉपीराइट, मतलब मैंने एक शॉर्ट लगाई थी जिस पे कॉपीराइट आ रहा था, तो मैंने वही जिस टैक्स यूट्यूबर से मैंने ख़रीदा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये इस तरह कॉपीराइट आ रहा है, कहते कोई मसला नहीं है शॉर्ट्स में इसको कोई इतना इशू नहीं है। मतलब उस बंदे ने मुझे गाइड नहीं किया कि आपने इसको किस तरह से रिमूव करना है, या कॉपीराइट आपको नहीं आना चाहिए, या आपके मोनेटाइजेशन में ये प्रॉब्लम करेगा, नथिंग। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया इस बारे में, ठीक है। जब मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया तो वो उन्होंने जो है दूसरे दिन ही रिजेक्ट कर दिया कि आपका जो है वो कंटेंट में जो है वो रीयूज़ कंटेंट था। फिर मैंने उस कॉपीराइट को डिलीट किया, फिर मुझे उसने कहा जी आप वॉच टाइम दोबारा ख़रीदें, वो वॉच टाइम मेरा सब ख़त्म हो गया, मैंने फिर उस पर पैसे लगाए, मैंने फिर वॉच टाइम ख़रीद लिया, देन मैंने उसे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया तो वो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। अब मोनेटाइजेशन ऑन हुए भी आज जो है 4 से 5 महीने हो चुके हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे तो व्यूज़ ही नहीं आते। व्यूज़ इसीलिए नहीं आते कि शॉर्ट्स, फिर मैंने जो है टेक की वीडियोस दोबारा देखनी शुरू की। मैंने इस चीज़ को, मतलब पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर मैंने यही कहा कि नहीं, मैंने यूट्यूब पे काम करना है। क्योंकि मुझे 2-3 जगह से ना, मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो गई थी कि ये तो कर ही नहीं सकती, ये तो कुछ नहीं कर सकती, मैंने कहा अब मैं करके दिखाऊँगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है टेक की वीडियोस देखना शुरू की, स्टार चीमा है या चन्ना है कुछ, मुझे अब उसका नाम भी सही तरह से याद नहीं, मैं तो लेकिन देखती हूँ, मैंने उनको सब्सक्राइब भी किया हुआ। फिर एक है जी साहिर अली रिंद के नाम से,
वो भी अच्छे हैं यूट्यूबर, तो दो तीन मैंने बातें वहाँ से पिक की, दो तीन मैंने बातें वहाँ से पिक की। इसरार सीमा के जो है चैनल पे एक आ रही थी हबीबा डार के नाम से है, उन्होंने जो है अपना इंटरव्यू दिया था, उनका चैनल बहुत जल्दी ग्रो किया था, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैंने ना इसी तरह से जो है मेरी बहुत पहले की बनी हुई थी यूट्यूब के जो ईमेल थी वो पहले से बनी हुई थी, तो मैंने उसी पे अपना चैनल बनाया, फिर मैंने जो है 700 जो है अपने सब्सक्राइबर खरीदे, तो मेरी जो है व्यूज़ थोड़े से जाते थे और उसके बाद मेरी वीडियो रुक जाती थी, तो मैंने इसीलिए जो है दूसरा चैनल बनाया, फिर अपने उस वीडियो उस चैनल की वीडियोज़ उठा के इस चैनल पर लगाई, तो मेरा ये चैनल ग्रो कर गया। उस वीडियो से मुझे इतनी मोटिवेशन मिली थी, इतनी मोटिवेशन मिली थी कि मैंने चैनल दोबारा बनाया, उस पर मैंने वीडियोस डालनी शुरू की, फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह पाक जो है इतना करम करेगा, लेकिन मेरी तीसरी वीडियो ऐसे वायरल हुई कि आज उस पर 13,000 व्यूज़ हैं। आप मेरी पॉपुलर वीडियोस में जाके देखें, 13.4K जो हैं उस पर व्यूज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात हो गई। अब फिर उन्होंने कहा कि आप जो है जो पुरानी अपनी ईमेल आपने, अगर मैं ये आपके लिए मैं एक टिप दे रही हूँ, अगर आप वीडियो यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो आपने अपनी ईमेल न्यू बनानी है, न्यू क्रिएट करनी है, देन उस पर जो है आपने यूट्यूब चैनल अपना बनाना है, अपनी जो पुरानी यूट्यूब जीमेल जो भी आपकी चल रही है आपने उस पर चैनल नहीं बनाना। एक ये टिप हो गई। फिर दूसरा उन्होंने मुझे कहा, मुझे तो नहीं कहा, खैर अपने उसमें बता रही थी यूट्यूब चैनल में, कि कुछ लोग ऐसा करते हैं जी दो चार वीडियोज़ हमने लगाई, अच्छा अब जैसे मैं अब हैं मैं एज़ अ हाउसवाइफ ये वीडियोज़ लगा रही हूँ, मैं आज लगाऊंगी कुकिंग की, दो तीन दिन कुकिंग की चलाऊंगी, फिर मैं चला दूंगी मेकअप की, फिर मैं चलाऊंगी व्लॉगिंग की। मतलब एक चैनल पे आप एक ही का तरह का काम करें, आप जब मुख्तलिफ करेंगे तो लोग आपको व्यूज़ मतलब नहीं मिलेंगे, लोग नहीं आएंगे, जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो नहीं देखेंगे। देखें अब मैंने अगर एक मेकअप की वीडियो लगाई है तो जिसने मुझे मेकअप के थ्रू जो है वो सब्सक्राइब किया है, जब वो मेरी कुकिंग वीडियो देखेगा तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा क्योंकि उसने मेकअप वीडियो में डाला था। तो आपने जो भी चैनल बनाना है उसी पे ही काम करना है। वो एक ये बात हो गई। फिर ये जो हैं साहिर जो हैं उन्होंने भी कहा कि जितने यूट्यूबर्स हैं वो जब जो टेक के यूट्यूबर्स हैं या कोई और भी यूट्यूबर, मैं हर किसी को बुरा नहीं कह रही, मतलब हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती, मुख्तलिफ़ होती हैं, आप इस चीज़ को समझें। ये कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जिनका चैनल बढ़ जाता है तो फिर वो जो है सब्सक्राइबर और जो है वॉच टाइम बेचना शुरू कर देते हैं, आप ये बिल्कुल भी मत बेचें। ठीक हो गया ये भी। अब लेकिन अब आज की जो बात करने का असल मकसद है वो मेरा मकसद ये था कि मैंने जो है अपने कुछ चैनल पे, इसी चैनल पे जो है मैंने अपने पुराने चैनल से उठा के वीडियोज़ लगाई हैं। असल में अब होता क्या है, ये टेक वीडियोस वाले ये भी कहते हैं कि आप जो है मुसलसल जो है रोज़ की वीडियोस लगाएं, ठीक है, लेकिन एज अ हाउसवाइफ आपको भी पता है कि हम लोग मुसलसल वीडियोस नहीं लगा सकते। तो फिर मैं यही करती होती हूँ, मोस्टली मेरी यहाँ पे इस चैनल पे नई ही हैं वीडियोस, लेकिन कुछ जो हैं वो पुरानी वीडियोस हैं, इस वजह से मैं ये करती हूँ कि मतलब दो तीन दिन अगर मैंने लगातार लगा दिए वीडियो तो मैं एक दिन भी मिस नहीं करती। आज भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन मैंने यही कहा कि मैं जो है मिस नहीं करना चाहती, मैंने अपनी पुरानी वीडियो उठाई है उसको मैंने डाउनलोड करके उसको वॉइस ओवर में आज नया कर रही हूँ इसीलिए कि मैं आपको बता सकूँ। मैंने और जितनी वीडियोस मैंने पुरानी लगाई हैं मैंने सब पे लिखा है ओल्ड वीडियोस। अच्छा इसी तरह अब बात करने का मकसद यही मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जो है वीडियो लगाई है किड्स के ऑनलाइन शॉपिंग मैंने की थी और उस 5 महीने पहले उस चैनल पर मैंने लगाई थी। उस पर मुझे कॉमेंट आया एक कि शर्म आनी चाहिए आपको, एक आपने इस यही वीडियो जो है 5 महीने पहले लगी हुई थी और 5 महीने बाद अब आपने इस पे लगा दिया है, और साथ उन्होंने नीचे लिखा सब इसको डिसलाइक करें, ये लोगों को पागल बना रही हैं। मैंने कहा मेरा कंटेंट है, मेरी मर्ज़ी, मैं जब मर्ज़ी लगाऊं, आप ये बात क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं आप लोगों को पागल बना रही हैं। आप बाकायदा मेरे साथ उन्होंने ये लैंग्वेज यूज़ की कि आपने सस्ते नशे किए हैं, मतलब कि आप सोचो आप किसी लड़के से बात कर रहे हो, किसी लड़की से बात कर रहे हो, आपको कोई बात करने की तमीज़ तो होनी चाहिए भाई। हम मतलब जो
व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो वीडियोस लगा रहे हैं, उन्हें पता है कि कितनी मेहनत लगती है इस पर, तो आप अपनी मेहनत ज़ाया तो नहीं कर सकते ना। और मैं जब उस चैनल से उठा के इस चैनल पे वीडियो लगाती हूँ तो मैं वहाँ प्राइवेट कर देती हूँ, तो फिर किस हक से कि मुझे ये बात करें। या मैं अगर वीडियो लगा के लोगों को पागल बना रही हूँ, मतलब मैं चीज़ें बेच रही हूँ, मैं बेच तो नहीं रही, मैंने तो अपनी चीज़ दिखाई है जी, मैंने ये चीज़ ख़रीदी है, और ब्रांडिंग की बात कर रही हूँ कि उस ब्रांड से उठा के मैंने चीज़ ली है। तो दैट मीन्स कि आपको सिर्फ व्यू चाहिए ना कि आपको क्या है। फिर वो मुझे कहने लगे जी ये आपको ये कोई तरीका है, आप व्यूज़ कमा रही हैं। यार इज्जत से कोई रोज़ी कमा रहा है तो आप उसको एटलीस्ट आप उसको हेल्प तो करो, आप अच्छा कोई एक कमेंट कर दो, उसको मोटिवेट कर दो। आप इस तरह के मैसेजेस करके क्या शो करना चाह रहे हो बंदे को, कि मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है हम जो मेहनत कर रहे हैं उसकी, कोई आपकी नज़र में कोई औकात नहीं है कि ये अगला बंदा मेहनत कर रहा है, हम उसकी मेहनत को आप रायगा ना जाने दें। फिर मैंने उससे बकायदा मेरी अच्छी खासी जो है बहस हुई इस बात पे। फिर मैंने एंड पे उसे यही कहा, मैंने कहा आपने डिसलाइक करना है आप 100 दफ़ा करें, लेकिन इस तरह की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कंटेंट है, मैं जैसे मर्ज़ी उसको लगाऊं, मैं एक चैनल पे लगाऊं, मैं 10 चैनल पे लगाऊं, मेरी मर्ज़ी है ये कि मैं किस तरह से लगाऊं। तो मैं बात करने का मकसद यही है कि आप जो है देखिए काम आपने करना है, मेहनत आपकी है, सब कुछ आपकी है, तो अल्लाह पाक जो है किसी की मेहनत को कभी भी रायगा नहीं करता। तो मेरी बात याद रखिएगा कि मोटिवेशन अपनी नहीं छोड़नी, मोटिवेट रहें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है कभी भी जो है मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो अब आप मेहनत करते रहें, मुसलसल चलते रहें। और न्यू यूट्यूबर्स के लिए है कि आप जो है मुसलसल जो है एक दूसरे की हेल्प भी करें, हेल्प करेंगे किसी के लिए रास्ते खोलेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए भी रास्ता खोलेगा, ये बात याद रखिएगा। तो जिस जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वो मुझे साथ इसी वीडियो पे मेंशन कर दे कमेंट के लिए, कमेंट करके मेंशन कर दे, मैं उसको सब्सक्राइब कर दूंगी, और एक दूसरे की हेल्प किया करें। ठीक हो गया। और कमेंट बॉक्स में आके जो जो कमेंट करें ना उसके कमेंट देख के आप उसको भी सब्सक्राइब करें, और अगले की वीडियो पे जाके वीडियो वॉच करें, लाइक करें, और फिर जो है उसको सब्सक्राइब करके उसके कमेंट में बताएं कि मैंने आपको सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो के वजह से सब्सक्राइब किया। आप ये लाजमी बताइएगा और एक दूसरे को सपोर्ट करें। देखें मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप एक बंदे के लिए रास्ता खोलेंगे ना तो अल्लाह पाक आपके लिए 10 रास्ते खोल देगा। तो अपनी जो है इस चीज़ को जो है मेरा तो इस चीज़ पे ईमान है, तो आप भी इस चीज़ को जो है फोकस करें। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जो है मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।